Vis petistes. Das ist hier geschrieben. जर्मन में टाइम पूछेंगे वी स्पेट स्टेस, और दूसरा तरीका वी फील ओवर स्टेस, वी फील ओवर स्टेस, बोथ आर इक्वली करेक्ट. वी फील ओवर स्टेस, वी स्पेट स्टेस, मीनिंग इट सेम. एंड हियर टाइम इज गिवन, एस इज 20 नाख आइंस. सो 20 नाख आइंस का मतलब ही है 20 मिनट्स. हम लोग पूरा लिख रहे थे ऐसे स्वांसिस न्यूटन नाक आइन उवर, नाक आइन उवर लिख रहे थे हम लोग. और यहां पे इन्होंने शॉर्ट में बोल दिया कि अंडरस्टूड है स्वांसिस 20, सो 20 आफ्टर 1, सो 120 इट शुड बी लाइक दिस. एसिस्ट हेल्प जीबन मीन्स कितने बज गए? 6:30. ओके या एस इज फियटल फॉर ड्राई 2:45. ओके नाइन मीन्स दो ना 2:45 जो ना ओके लेट्स डू छोटी में लेट्स इफ दैट्स बेटर देन एस इज 5 नाख 5 पास हो से पास में या अगेन आउट 5 नाख 5 पास बज के 5 मिनट एस इज 4 This is 4, exactly 4. Punkt 4. Und es ist 10 vor 8. 7:50. Okay, so 9:45. 9 ist hier. So vielleicht? 9:45 ist 7:50, huh? Es ist 10 vor 8, 7:50. Yes. किसने बोला 9:45? हाँ मिला दी मैंने 7:50, 10 for 8, 10 minutes बाकी है 8 बजने में. So 8 तो यहाँ बजेंगे कहीं लास्ट में, 10 minutes बाकी हैं तो ऐसे कुछ होगा या here again es ist 8 after addresses 8:30 8:30 ka kaise kare here kitne baje hain ye 9:45 okay so kaise bolenge इनको दोनों को ऊपर नीचे ही मान के चलते हैं हम लोग. सो हाउ टू से फेटल फॉर 9 ऐसे बोल सकते हैं या 45 मिनट्स वैसे भी बोल सकते हैं 8:45. तो आप ये कह सकते हो फ्यून फ्रॉम फियरसिस, फ्यून फ्रॉम फियरसिस मिनूटन नाक आठ बज के 45 मिनट या 15 मिनट बाकी 9 बजने में, एक ही बात है. और हियर दिस इज फास्ट गाइस, इसको देखो दिस वन इज 2:10 2:10 फोर्थ वन ट्राई दिस सेन नाक सेन और सेन न्यूटन नाक सेन उवर ओके 2:10 है ना सर. हाँ वो 2:10 है दोनों टेन सेन सेन हाँ
210 है वो. सो सेन न्यूटन नॉक्स वाई, सेन नॉक्स वाई, सेन न्यूटन नॉक्स वाई ओवर रिस्टिश. एंड सिक्स्थ वन 420. हाउ टू से 20 न्यूटन नॉक. ओके रिस्टिश assist once is minuten 15 minuten for 10 hour. ये 20 minutes after 4 किया हमने. अब आप सोच रहे हो कि ये 7 कब हो रहे थे सर. 20 minute mark fair over this one 7th वाला 735 minute mark 35 को जर्मन में कैसे बोलेंगे? फ्यून फॉन ड्राइसिश. या ओके ऑन द लास्ट वन 845 मिनटन फॉर 10 ओवर. फ्यून सेन मिनटन 10 ओवर और 9 ओवर ना सर. 9:45 हो रहा है ना. ये तो 8:45 ही हो रहा है बिकॉज अदरवाइज तो ये 10 की तरफ दिखता, इधर दिखता अदरवाइज तो. ओके क्लार्क साइंटिस्ट खान को ब्लेम. देन हियर अगेन टाइम Der Tagesablauf ordnen Sie zu und schreiben Sie die Antworten. 6:15 को क्या बोलेंगे? Viertel nach sechs. Viertel nach sechs. 1 steht sie auf. कब उठती है? वो उठती है 6:15 पे. उठती तो वो 6:15 पे है और जीवन ओवर नाश्ता करती है. तो उन फियटेल नाक जैक्स. फियटेल का मतलब है 15 मिनट्स. फ्यूमसिन मिनूटन और फियटेल एक ही बात है. फ्यूमसिन मिनूटन नाक जैक्स भी बोल सकते हैं हम लोग. और ऑफिशियल स्टाइल में हम लोग जैक्स ओवर फ्यूमसिन भी बोल सकते हैं. जैक्स ओवर फ्यूमसन ऐसे भी बोल सकते हैं और जैक्स ओवर फ्यूमसन मिनटन. जैक्स ओवर फ्यूमसन भी सुने तो आप समझ जाना. ये ऑफिशियल अंदाज है पहले आर को बोलना. सो वन स्टेट जी आउफ जी स्टेट उम फियटेल नाक जैक्स आउफ दस इज डन स्वाई आ. वन फ्रूस्टुक जी सेंटेंस जी फ्रूस्टुक फ्रॉम सी वन वर्ड जी फ्रूस्टुक फ्रॉम सी वन वर्ड. या उन वन आर्बिटेड जी 8:32:17 कैसे बोलेंगे? साशा अर्बाइटेड फ्रॉम हाफ नाइन इस सिम्पसन ओवर फोन बिस. या साशा अर्बाइटेड फ्रॉम हाफ नाइन दिस जिप्सन ओवर. या ऑन्ट वन डिड जी इंस्पेक्ट जी गेट ऑन ड्राइव ऑन स्वांसिश ओवर ड्राइसिश इंस्पेक्ट
या जो करना जा रहे हैं ओके आपका मन कर रहा होगा हाल बोलने का, तो जनरली हाल जो है 12 बजे तक 1 बजे तक इतने ही सुनेगा आपको ना, बाद में जनरली ऐसे फुली बोलता है जो इस टाइप से जैसे सपोज 11:30 है तो दोपहर का है तब तो बोल ही देते हैं अपन हाल 12, लेकिन 23:30 है सपोज या 21:30 है तो हाल स्वायुन स्वांसिस जनरली नहीं सुनेगा आपको, आपको सुनेगा आयनुन स्वांसिस उवर ड्राइसिस। आपको कभी कभी ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है कि ये उवर कैसे बोलूं इसको, तो इस उवर को यहां बोल देंगे बस, दोबारा उवर बोलने की जरूरत नहीं होती। आयन ऑन स्वांसिस उवर ड्राइसिस, ठीक है, आयन ऑन स्वांसिस उवर ड्राइसिस या तो टाइम देखने का बस सिंपल अंदाज पूछना वी स्टेटिस्टेस एंड एस एस्ट पहले मिनट्स नाक और जितने भी आर हैं वर्ड। अब 8:32 हो गए तो क्या करोगे, एस एस्ट स्वायुन ड्राइसिस मिनट नाक आर वर्ड, तो ये बदलते जाएंगे अदरवाइज ये सेम ही रहने वाला है।